हो रहा लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल। ये सारा एरिया नेपाल है और ये अपना भारत, कोई फर्क नहीं है, बस बॉर्डर तक भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, बस भाई लकीर खींच दी है, दैट्स इट। बाकी बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पीसफुल। आशा करता हूँ कि आप लोग सारे अच्छे हों। और आज सैटरडे है और मैं अभी हूँ मानीभंजंग में और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:10। मैं लास्ट वीक आ गया था मानीभंजंग, बट मैं अपनी बाइक एक्सपल्स सिलीगुड़ी में छोड़ के आ गया था, बट मैं आज वापस जा रहा हूँ सिलीगुड़ी ताकि कुछ काम वाम है उसको निपटा लूँ। और उसके अलावा मैं अपना बाइक लेके आऊँगा रिटर्न करते हुए, तो यहाँ से स्टार्ट करते जर्नी मोस्ट प्रॉब्ली 3.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मैं एक टैक्सी शेयर टैक्सी है वो लेके जाऊँगा। तो विल स्टे देयर एंड कल सुबह को मॉर्निंग को वहाँ से निकल जाएगा सिलीगुड़ी से। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। चलो भाइयों, अभी टाइम हो रहा है 6:35 और मैं सिलीगुड़ी पहुंच गया हूं। मैं घर से निकला था अराउंड 2:30 के आसपास और अपना काम वाम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मैंने निपटा लिया है। तो जैसे प्लान है आज सिलीगुड़ी रहना है और कल मॉर्निंग को हम लोग निकल जाएंगे। चलो, आज संडे है तो कल हम लोग, तो कल हमने अपना सारा कुछ काम वाम कर लिया है। सैटरडे काम फिनिश करने के बाद आज संडे हम वापस मानीभंजंग को हो रहे। वेदर थोड़ा बहुत ओवरकास्ट है, सो बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। भाई सिलीगुड़ी का ट्रैफिक ना एकदम वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वाली ट्रैफिक है, तो यहाँ आई थिंक कैमरा ऑन करके रखना ही बेहतर रहेगा। यहाँ तो पहुँच गए, यहाँ से राइट जाओगे तो कर्शन की तरफ जाओगे और अगर सीधे सीधे जाओगे तो ये मिरिक पड़ता है। अब मिरिक का जो रास्ता है वो जाता है यूं इधर से, बट एक शॉर्टकट है इधर से, तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्टकट मार लूँ तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, जल्दी पहुँचूँगा। लेकिन रास्ता यहाँ का बहुत ख़राब है आगे जाके, अभी तो ऐसा कुछ पता चल नहीं रहा है, बट आगे बहुत ख़राब रास्ता है। देख रहे हो ऑफ रोड, और इतना ज़्यादा ऑफ रोड है भाई, ये निकल तो लेंगे आराम से, एक्सपल्स सब कुछ चबा जाता है। इस सब रास्तों में अगर बारिश हो जाए तो विजिबिलिटी कम हो जाती है,
तो थोड़ी सी, क्योंकि टर्न बहुत ही शार्प और इंक्लाइन बहुत ही स्टीप है तो दिक्कत हो जाती है उससे। तो फिलहाल मैं निकल गया हूँ एक ग्राउंड में, स्कूल ग्राउंड में, और यहाँ से आई थिंक मैं ऑलमोस्ट मिरिक रोड में पहुँचने वाला हूँ। तो सीधे जाके मिरिक वाली रोड पे मिलूँगा मैं भाई। एकदम वहाँ से होते हुए यूँ आया वो रहा ग्राउंड जो हमने क्रॉस किया था, और उस रास्ते से आए हम लोग। ये जो ग्राउंड के इस साइड से दिख रहा उस पार नीचे से आए, जैसे घूमते हुए यूं करते हुए नीचे से यूं घूमते हुए उस ग्राउंड से ऊपर आए। रोड काफ़ी स्टीप है बट फन है। यार क्या लग रहा है, एकदम अलग ही मज़ा टी गार्डन के बीचों बीच से निकलना। चलो अब मेन हाईवे पे मिलने वाले हम लोग, यहाँ से जाना पड़ेगा राइट। ये देख रहे हो पूरा का पूरा टी गार्डन वाला एरिया है, क्या लग रहा है। ये है मिलिक थंग टी गार्डन। और अगर आपको याद होगा तो वो वाला जो एरिया है मैंने लास्ट एक वीडियो में कवर किया था, पाइंट्री ऑफ पूर्वा, तो मैं उस साइड वहाँ बैठा हुआ था उस टाइम पे, और सनराइज़ इधर से कहीं से हो रहा था, सनसेट और मस्त लग रहा था। एक दो वीडियो फोटो ले लेता हूँ। यार बाइक चलाने में नहीं, यहाँ अलग ही मज़ा है। तो चलो थोड़ी ही देर में हम लोग टिंगलिंग फाटक पहुँच जाएंगे, जहाँ से वी विल मीट दी मिरिक मेन रोड। फिर हम लगेंगे अपने ऊपर ही ऊपर। क्या शानदार लग रहा है मिरिक का नज़ारा, जब बारिश नहीं होती और धूप भी ना पड़े तब भी ठीक है। ये जो रोड है, रोड ना, ये रोड पर अपना इंडिया में पड़ता है, और जो रोड के उस साइड है कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन नेपाल है सारा। ये जो दिख रही है कुर्सियाँ, ये झंडे वंडे दिख रहे हैं, ये सब उस साइड नेपाल है। ठीक रोड के उधर आपको मैं दिखा भी दूँ, यहाँ पे एक पिलर भी लगा हुआ था और लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल। ये सारा एरिया नेपाल है और ये अपना भारत, कोई फर्क नहीं है, बस बॉर्डर तक भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, बस भाई लकीर खींच दिए, लेट्स इट। बाकी बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पीसफुल। अब ये पूरा अचानक से ना पूरा कोहरा आ गया, एकदम पूरा ढक गया, एकदम पूरा का पूरा ये पशुपति वाला एरिया। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पशुपति फाटक, गए और वापस आ गए। सिंपल, अब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है और ठंड भी बढ़ रही है। आई डोंट नो, मुझे शायद लेयरिंग करना पड़ जाए, लेयरिंग करना पड़ गया तो फिर मुझे, अगर लेयरिंग करना पड़ गया तो फिर मुझे ग्लव्स भी स्विच करने पड़ेंगे भाई।
हाँ भाई, आई थिंक मुझे लेयर अप करना ही पड़ेगा, डाल के पहन लेता हूँ उसको। बस हो गया, चलो सेट है, ग्लव्स पहन के निकलेंगे। भाई विजिबिलिटी एकदम ख़त्म है अब, जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल भी नहीं है विजिबिलिटी, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हैज़र्ड वगैरह तो ऑन कर लिया मैंने अपनी बाइक में, बट फिर भी आई थिंक मैं स्टिल छाने भाई छाने दुजना उजना गाड़ी आँद गाड़ी में जाओ। अभी बिल्कुल भी नहीं है यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम दूर से गाड़ी एकदम सट करके दिख रही है, हल्की हल्की सी, थोड़ा साइड साइड होके ही चलना पड़ेगा भाई। कई जगह पे तो रोड का पता ही नहीं आता, पता चल ही नहीं रहा है इसके कुछ। अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं ना शॉर्टकट मार लूँ यहाँ से, एक शॉर्टकट है ये रहा यहाँ से, बट इतनी ज़्यादा धुंध है कि भाई, और वो शॉर्टकट वैसे ही बहुत ही ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है, बहुत भयंकर इंक्लाइन है और बहुत ही भयंकर वाला ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी रिस्क लूं और इसी रोड से ही जाऊंगा जहां से नॉर्मल जाना चाहिए, ज़्यादा रिस्क ले के भी फायदे नहीं है। अब यहां से आई थिंक सुखिया ज़्यादा दूर नहीं है, होपफुली जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि 5:30 हो चुका है ऑलरेडी। 5:30 मतलब हिल्स के लिए, मतलब एज कंपैरिजन दिल्ली विल्ली में मतलब मान लो कि 8-9 बज गए वैसा वाला सीन होता है यहाँ का 5:30, तो वैसे कि देख ही रहे हो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, बस थोड़ा स्पीड कम रख रहा हूँ 30 के आसपास, अंडर 40, सो दैट आई गेट इनफ टाइम टू मनूवर इफ इन केस, बाकी अपना हैज़र्ड वगैरह सब कुछ लाइटें वाइटें सब जला दी है ताकि विजिबिलिटी मैक्सिमम रहे, अगर कोई उधर से आ रहा तो मुझे दिख जाए, तो दिख तो रही है गाड़ियाँ मतलब ना धीमी धीमी सी। चलो भाई सुखिया पहुँच गए फाइनली, सुखिया पहुंच गए। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें मानी भंजन के लिए, चलो मानी भंजन की तरफ चलते हैं। अब अपना थैंक गॉड उतना वो नहीं है, फॉगी नहीं यार, सो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, आराम आराम से चलेंगे, ठंड तो उतनी लग नहीं रही होगी, टोस्टी टोस्टी से हो गया,
सो आई थिंक दीज आर अ गुड इन्वेस्टमेंट आई गेस. बहुत सही है यार. क्योंकि वैसे भी मैं रेनकोट लेने वाला था और वो मुझे 1500 का पड़ जाता. ये मुझे पड़ गए 2000 के, 2090 के, 2100 पकड़ लो, विच इज वेरी रीजनेबल यार. और अच्छा भी है यार ये ग्लव्स. चलो अब यहाँ से सुखिया से जैसे हमने कट मारा सीधे जाते तो हम घूम होते हुए दार्जिलिंग निकल जाते. अब यहाँ से हमने लेफ्ट को कट मार के अंदर चले गए मानीबंजन के लिए. अब ये पूरा रास्ता जहाँ से कट मारा है जहाँ तक पूरा मानीबंजन पहुँचता है वहाँ तक भी रास्ता ऐसा ही है, ख़त्म है ही नहीं. मतलब पूरा भयंकर ऑफ रोड. चलो घर पहुँचते फिर फटाफट.